हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं इन बियॉन्ड द टेक्निकल विद कुणाल में। आज हम ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 17 जून की बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहाँ पे हम डेली चार्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, फ्रेश रिकमेंडेशन भी देते हैं। ट्विटर की लिंक दी है, जहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। एंड जीफी डीमेट अकाउंट ओपनिंग की भी लिंक दी है, जहाँ पे जाके आप फ्री डीमेट अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। तो आइए दोस्तों, ट्रेडिंग आइडियाज फॉर 17 जून की बात करते हैं। दोस्तों आज मैंने जो पहला स्टॉक लिया है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात करूं तो आज ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन हमें काफी अच्छा फॉल आते हुए दिखा। एंड अगर मैं यहां पे स्टॉक की बात करता हूं, जिस हिसाब से आज मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिली एंड आर्ली चार्ट पे जिस हिसाब से हमें गिरावट देखने को मिली दोस्तों, वो लग रहा है कि आने वाले दिन में भी हमें ये गिरावट कंटिन्यू रहती हुई दिख सकती है। मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का इंट्राडे चार्ट आर्ली चार्ट लगाया है एंड आप देख सकते हो कि किस हिसाब से ये जो कैंडल है उसका सपोर्ट आ रहा था, लेकिन इसी कैंडल का सपोर्ट ब्रेक करने के बाद हमें एक लगातार डाउनसाइड की मूवमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। सेम अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है उसका भी एक काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा था एंड इसका ब्रेकआउट देने के बाद हमें लगातार एक डाउनसाइड की मूवमेंट देखने को मिली है। तो दोस्तों ये जो ओपनिंग कैंडल्स, कुछ कुछ ओपनिंग कैंडल्स जो रहती है वो कई बार क्या करती है, रेंज ब्रेकआउट का काम करती है। अगर वो ओपनिंग कैंडल्स का अगर हाई लो अगर हम प्रॉपरली देखें एंड उसके हिसाब से अगर ट्रेडिंग करें तो काफी अच्छी ट्रेडिंग हमें मिल सकती है, काफी अच्छे लेवल हमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये है टाटा मोटर्स, जो चार्ट वाइज अभी वीक लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि टाटा मोटर्स में जो ओआई स्पर्ट आज के दिन में देखने को मिला है वो है 10% से ऊपर का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11.22% का ओआई स्पर्ट हमें देखने को मिला है विद द नेगेटिव प्राइस चेंज, यानी कि शॉर्ट बिट तक की पोजिशन कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स में हमें बनती हुई दिखी है। एंड उस लेवल पे अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाय क्वांटिटी सेल क्वांटिटी सेल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द बाय क्वांटिटी, यानी कहीं ना कहीं ऑल सिनारियो यहाँ पे अभी एक डाउनसाइड की मूवमेंट का ही इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो पोजिशनल मूवमेंट की बात हुई, अगर हमें ट्रेडिंग वाइज बात करनी है, ट्रेडिंग वाइज अगर हमें देखना है तो कौन से लेवल हम ध्यान में रखेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से लेवल पे आपको वॉच रखना है। दोस्तों जिस हिसाब से ओआई स्पर्ट हुआ है एंड जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी आई है, उस हिसाब से दोस्तों अगर टाटा मोटर्स 96.50 के ऊपर सस्टेन होता है तो 97.30 का पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 98.10 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। जबकि उसी लेवल पे उसी टाइम पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो है 95.50 का। जबकि लोअर लेवल की बात करें, लोअर ब्रेकआउट की बात करें तो 92.70 के नीचे अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो 91.90 पहला लेवल हमें जो देखने को मिल सकता है, वो ब्रेक होते ही 91.10 का लेवल दूसरा है जो हमें देखने को मिल सकता है एंड उस लेवल पे जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो है 93.70 का। तो दोस्तों वॉलेटिलिटी को देखते हुए ये थे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल, लेकिन अगर कोई वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता है एंड स्टॉक इंट्राडे में अगर रैंक बाउंड मूवमेंट में ट्रेड करना चालू करता है तो उस लेवल पे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए उसकी भी बात कर लेते हैं। इफ स्टॉक रिमेन्स रैंक बाउंड देन इफ इट मेक्स हाई अबाउट 95.75 एंड कम डाउन देन वन कैन गो फॉर शॉर्ट फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ 94.90 एंड इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट ऑफ द सेम देन सेकंड लेवल वुड बी एट 94.30 विद द रेजिस्टेंस ऑफ 96.40 एंड इफ स्टॉक रिमेन रेंज बाउंड देन इफ इट्स मेक्स लो बिलो 93.50 एंड कम अप देन वन कैन गो फॉर लॉन्ग फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ 94.30 एंड सेकेंड लेवल वुड बी एट 95 विद द सपोर्ट ऑफ 92.65। तो दोस्तों ये थे रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी के लेवल, हमने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लेवल के बारे में चर्चा कर ली है। प्लीज ये लेवल जो है नोट डाउन करके रखिएगा, काफी हेल्पफुल लेवल है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। तो आइए दोस्तों दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्टॉक जो है जिंदा स्टील का है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आली चार्ट लगाया है एंड जिंदा स्टील के चार्ट को दिख के लग रहा है कि पिछले कई दिनों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल की बात करें तो 150 का काफी अच्छा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जबकि लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल पे 135 का काफी अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और बात जो गौर करने की वो है इसका ओआई स्पर्ट। दोस्तों आज ये जो काउंटर है ये ओआई स्पर्ट में टॉप के लेवल पे है। एफएनओ काउंटर में ओआई स्पर्ट की बात करें तो 16.38% का ओआई स्पर्ट हमें इसमें देखने को मिला है विथ पॉजिटिव प्राइस रेंज ऑफ 4.81%। एंड इस लेवल पे अगर हम ऑप्शन चेन की भी बात करें तो ऑप्शन चेन में भी काफी अच्छी मोमेंटम कॉल साइड में लॉन्ग साइड में हमें देखने को मिली है। तो दोस्तों
ओवरऑल इंडिकेशन अभी जो फिलहाल देखने को मिल रहा है वो है पॉजिटिव साइड का, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात करेंगे तो ट्रेडिंग में कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। 142.75 का क्लोजिंग है जिंदा स्टील का, ब्रेकआउट लेवल आ रहा है 147.05 का। अगर स्टॉक 147.05 के ऊपर सस्टेन होता है तो 149.10 का पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है, वो ब्रेक होते ही 151.20 का दूसरा लेवल हमें देखने को मिल सकता है, जबकि लोअर लेवल पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो है 144.60 का। ब्रेकडाउन लेवल जो आ रहा है दोस्तों वो है 137.55 का, अगर वो ब्रेक होता है तो 135.50 का पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है, एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 133.40 का दूसरा लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है, जबकि उस लेवल पे उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो है 140 का। दोस्तों ये है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल, लेकिन अगर स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिलती है तो रेंज बाउंड मूवमेंट में हमें क्या लेवल ध्यान में रखनी चाहिए उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। इफ स्टॉक मेक्स हाई अबव 145 एंड देन कम डाउन देन वन कैन गो फॉर शॉर्ट पोजिशन विद द फर्स्ट लेवल ऑफ 143.05 एंड सेकेंड लेवल ऑफ 141.50, एंड उस लेवल पे जो रेजिस्टेंस दोस्तों हमें देखने को मिलेगा है वो है 147। जबकि अगर स्टॉक नीचे में 139.75 के नीचे का अगर लो दिखाता है एंड वहां से अगर हमें एक बाउंस बैक देखने के चांसेस नजर आते हैं तो उस लेवल पे हमें लॉन्ग पोजीशन बना के चलनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 141.55 का पहला लेवल, दूसरा लेवल जो है वो है 143.10 का, जबकि उस लेवल पे उस टाइम पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो है 137.60 का। एंड दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्लीज लेवल स्पेसिफिक ही ट्रेडिंग करना, एंड कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही ट्रेड करना। एंड दोस्तों ये जो लेवल है वो है एक्यूरेट लेवल, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में कल के वीडियो में हमने दो लेवल के बारे में बात किया था, केडीला हेल्थ केयर एंड उज्जीवन। एंड दोस्तों आज आपने देखा होगा कि कैसे उस लेवल को प्रॉपरली रिस्पेक्ट देके एक मोमेंटम हमें दोनों काउंटर में देखने को मिली। तो दोस्तों आप कोई भी ट्रेडिंग करो तो प्लीज़